तो चावल मैंने बाहर से चूल्हे में ही चढ़ा दिए हैं आग जला के। तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं ताकि इसको अच्छा लगे। के लिए ना बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए दिन के साथ मेरे एक नए व्लॉग में। और अभी सुबह हो चुकी है तो मम्मी जी भी रेडी होके चले गए हैं ड्यूटी को। मैंने उन्हें नाश्ता वगैरह भी दे दिया था। और आज ना मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। कल शाम से ही बादल लग रखे थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी और अभी के टाइम पर बूंदाबांदी भी होने लग गई है। तो अभी मैं आई हूँ घर के बाहर के साइड और यहाँ पर जो लीची के पेड़ है ना उसमें लीची भी अभी अच्छे से पक गई है। पूरी लीची लाल हो गई है और ये मीठी भी हो रही है अब खाने में। और आज पूरे आसमान में बादल लगे हुए हैं तो लग रहा है बारिश बहुत तेज की आएगी। और ये देखो कब से हमारा कूलर बाहर से ही पड़ा है तो ये भी ना ठीक नहीं हो रहा है, इसकी मोटर फूक गई है तो ऐसी पड़ा ही है बाहर से। और अभी इसकी ज़रूरत भी उतनी नहीं पड़ रही है क्योंकि बीच बीच में बारिश हो जा रही है ना तो मौसम ठंडा हो जा रहा। और रूम का हाल कुछ ऐसा हो रखा है, आजकल हम नीचे सो रहे हैं वन फ्लोर में क्योंकि बेड से ना गिरने का डर हो जा रहा उसका। और बच्चे कर रहे हैं बाहर से खेल जूते चप्पलों का। पराठा ले आऊं? अच्छा हाँ लाती हूँ, सब खेलने में है, खाने में है, सबके लिए लेके आती हूँ। मम्मी फाटा क्या खाना है? फाटा फाटा पराठा। पराठा बोलो बेटा। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाने के लिए रख दिया है। तो कुकर में मैंने चढ़ा दिया छोटे बच्चों के लिए खिचड़ी और यहाँ पर मैगी बनाने के लिए रख दी है पलकू के लिए। और किचन का कुछ हाल ऐसा हो रखा है तो सुबह सुबह ही ना किचन का ही काम सबसे ज़्यादा होता है, बर्तन भी हो जाते हैं, किचन साफ करना हो जाता है। तो दिन भर आजकल तो हमारा दिन भर किचन में ही रहता, कभी बच्चों के लिए, कभी अपने लिए, कभी चाय, कभी लंच, कभी डिनर, तो ज़्यादातर हमारा टाइम जो है किचन में ही कटता है। और सुबह सुबह इनकी घुड़सवारी स्टार्ट होने लग गई है। बच्चों के मजे ही हैं। फंसु को गिराना। भाई छक्का मार दिया। कहाँ मारा? कोने में। अच्छा। और गाइस अभी घोड़ा बन के मैं आ गया हूँ बाहर की तरफ से। और बाहर ना काफी अच्छा मौसम हो गया है, परसों शाम बहुत तेज की बारिश आ गई थी और कल भी काफी अच्छा मौसम रहा था और आज मौसम काफी ज्यादा बढ़िया हो गया है। और दोस्तों आज हमारे लिए स्पेशल डे भी है लेकिन हम इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी अम्मा एक्सपायर हो रही है तो अभी हम कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते हैं। और आज है पूजा का बर्थडे, मेरी वाइफ का बर्थडे है तो बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है लेकिन हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। और अभी मैंने पूजा को विश भी नहीं किया हुआ है, उसको सबसे पहले बर्थडे विश करते हैं। और गाइस पता है ना पूजा हमारी बहुत ज्यादा मेहनती है, बहुत ज्यादा शांत है, बहुत बढ़िया लड़की है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं पूजा के लिए ना बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन अब बाद में अच्छे से करेंगे उसका बर्थडे सेलिब्रेशन। और अभी मैं आ गया हूँ अंदर और यहाँ पे देखो इनकी चलिए मस्ती। हाँ क्या हुआ मम्मी? थप्पड़ मारा आपको? अच्छा। और ये रही हमारी ब्लॉगर साहिबा, तो आज इनका बर्थडे है तो तुमको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और वैसे मैंने कभी अपना बर्थडे मनाया नहीं है, आता ना केक काटा ना कुछ। क्या हो गया? ये बंसु को देखो यहाँ पर क्या मांग रहा है? ये मांग रहा है, ये तो दे दो दे दो। तीनों बच्चे रो रहे, तीनों पकड़ो 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 पकड़ो। क्या हो गया बेटा? अच्छा खोल लो खोल लो। देखो ये बंसु को देखो, जितने बच्चे हो गए इनके साथ क्या हो सकता है। और यहाँ पे ये भी लगा पड़ा है। और देख लो बच्चों के साथ कोई ऐसा होता है, ये तो डेली का हो गया हमारा, डेली इतना ज्यादा परेशान कर देते ना। दिखाओ कहाँ पे लगी आपको? कहाँ पे लगी? चिड़िया। आप रो क्यों रहे बेटा? क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? चिड़िया भाग गई? अच्छा। और अभी मैं आ गया हूँ अंदर किचन में और यहाँ पे हमारी बर्थडे गर्ल काम कर रही है, बर्तन वॉश कर रही है। अब मैं बर्थडे गर्ल नहीं हूँ। क्या हो फिर? बर्थडे वुमेन। अच्छा बर्थडे वुमेन हो तुम? बर्थडे तो होता नहीं है मेरा कभी नहीं, बड़े भाई का तो हर साल मनाते थे तब मेरे को पता नहीं था, लेकिन अब अभी समझ में आ रहा कि यार हमारे साथ भेदभाव होता था, हमारा बर्थडे नहीं मनाते थे, उसे हल्दी से भी नहलाते थे। चलो कोई बात नहीं और आगे से इसका बर्थडे मनाया जाएगा, ठीक है? आप लोग भी सपोर्ट करना दोस्तों प्लीज, मुझे मैंने भी मेहनत कर रही हूँ और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना ताकि मुझे आगे बढ़ने का। और हाँ चलो कोई बात नहीं, हम बर्थडे सेलिब्रेट तो नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं ताकि इसको अच्छा लगे। इसका बर्थडे सेलिब्रेट हो जाएगा अगर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे इसके बर्थडे के लिए तो इसको अच्छा लगेगा। हाँ ये सबसे बड़ा आशीर्वाद बर्थडे में, सबसे बड़ा तो कोई विश कर देना, केक नहीं भी कटे चल। अरे इतने लोगों ने। और पता है हमने सोची थी कि पूरी फैमिली मंदिर जाएगी लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा अभी के टाइम पे, तो अगले साल ही तुम्हारा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। वंशु आज पता है क्या है?
आज है आपकी मम्मी का बर्थडे। मम्मी बर्थडे? हाँ बाबा। हाँ? मम्मी बर्थडे। आपने मम्मी को बर्थडे विश किया? बाबा। हाँ? मम्मी बर्थडे विश। अच्छा तो मम्मी का हैप्पी बर्थडे बोल दो। मम्मी हैप्पी बर्थडे केक। अच्छा केक खाएगा बंसु? केक तो नहीं काटेंगे बेटा। और अभी मौसम भी थोड़ा सही हो गया है, खिली खिली धूप आ गई है और तीनों बच्चे बाहर से रह रहे, चाहे गर्मी हो चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, इनको मौसम से कोई मतलब नहीं रहता। और अभी सुबह से बाहर ही हैं तो नन्ना जी का जो बड़ा वाला बेटा है वो बहुत परेशान कर रहा था तो उसे यहाँ पे बाथरूम में बंद कर दिया और दोनों बच्चे बोल रहे हैं भाई को खोलो। कौन है इसके अंदर? मैं हूं। अगर आप भी परेशान करोगे ना तो आपको भी ऐसे ही बंद कर दिया जाएगा। खोल दे इसको भाई को। कितना हो बैबू? उसका मन भी अंदर से है यार आने को। आ जाओ। आओ अब ऐसे अगर उजड़े करोगे तो फिर उसको बंद करेंगे जो बच्चा उजड़े करेगा। अच्छा आपको बंद करना है? तो आपको बंद करेंगे। नहीं ये डरता है, ये नहीं रहता। सिब्बू बैबू तो तब भी रह जा रहे हैं लेकिन वंशु बिल्कुल नहीं रह रहा बाथरूम के अंदर। और पता है एक दो दिन से ना मेरे कान में बहुत ज्यादा दर्द हो रखी है तो कल शाम को हम दिखा के भी ला गए हैं, उस दवाई से भी कोई असर नहीं हो रहा है। चड़म चड़म लगा रखी है कान ने और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और आज बच्चों की नहाने की बारी भी है तो दो तीन दिन बाद नहा रहे। सिब्बू नहाने तुमको क्यों? ये तो दो दो तीन दिन टाइम नहा रहे टब में बैठ के आजकल। छुपी कर ले बाबू। और अभी हमारे बच्चे ने भी नहा लिया है और ये नहाते टाइम बहुत ज्यादा परेशान भी करता है। और अभी अंदर के सारे काम हो गए हैं, बच्चे भी सो गए हैं और सफाई वगैरह तो सुबह ही हो गई थी तो अभी मैं आ गई हूँ पीछे के साइड कपड़े धोने के लिए। और रोज़ ढेर सारे कपड़े हो जा रहे क्योंकि बच्चे हैं घर में तो सबसे ज़्यादा बच्चों के कपड़े हैं। और आज जूते चप्पल भी ले आई हूँ मैं। और आज धोने में बड़ी दिक्कत आने वाली है क्योंकि बच्चों ने ना जो नल की टोंटी है तोड़ दी है। दो तीन दिन पहले आधी टूटी थी लेकिन आज इन्होंने पूरी जड़ से तोड़ दी है। और अभी मैं और पलक आ गए हैं बाहर से और यहाँ पे ना काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी हमने ना केले पकाने में डाले हुए थे तो केले पक के कुछ ऐसे हो गए हैं, पूरे काले हो गए हैं। लो खा लो उसको। कैसे हो गए? खा ले खा ले। क्यों नहीं खा रही है? पूरे काले हो गए, गंदे हो गए, सड़ भी गए। सड़े नहीं है आपने पहले तोड़ के? सड़े नहीं है, अच्छे केले हैं। कहाँ सड़े हैं? और अभी मामा दिखा रहे हैं। सड़ गए क्या? एग्जाम्पल देखो कि ये सड़िए। कहाँ सड़े? ना तो वो छिक्का ले उसका, बहुत टेस्टी हो रहा है। कहाँ सड़ा? नहीं सड़ा है। खा ले इनको। ना मैं नहीं खाता, मुझे एलर्जी है गले में इससे। और अभी बज रहे हैं दिन के एक तो लंच टाइम भी हो गया है और यहाँ पे मैंने लंच ही बना दिया है। लंच बनाते बनाते ना अचानक से गैस भी ख़त्म हो गई तो अभी हस्बैंड जी सिलेंडर भी फिट करने लग गए हैं और आज ना भूख भी लग गई है इस टाइम पे। लीक हो रही है ये तो दोस्तों। अभी बज रहे हैं दिन के दो और आज ना हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया अचानक से तो हस्बैंड जी ने भरा हुआ सिलेंडर दोबारा से लगाया और वो ना पूरा लीक कर रहा है। और जैसे ही हम उसे ऑन कर रहे हैं पूरे घर में गैस फैल जा रही है और आसपास भी पूछा किसी के वहाँ दूसरा रेगुलेटर भी नहीं है तो आज ना बहुत बड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि दो बज गया है और अभी तक हमने खाना नहीं खाया ना बच्चों ने खाया, सब भूखे हैं। तो चावल मैंने बाहर से चूल्हे में ही चढ़ा दिए हैं आग जला के और ये चावल ना अधपके हो गए हैं, आधे गैस में बन गए थे लेकिन अभी आधे इसमें बन रहे हैं। पता नहीं आज चावल भी कैसे बनते हैं। और बाहर देखो अचानक से मौसम भी ख़राब हो गया है, पूरी हवा चल रही है और बारिश की बूंदें भी गिरने लग गई हैं। आज दो बज गए, हलहलाहट हो गया, ना बच्चों ने खाया है ना हमने खाया है, ऊपर से मौसम ऐसा ख़राब हो गया है और अचानक सिलेंडर को आज ही ख़राब होना था। ये मम्मी भी आ गई हैं ड्यूटी से बिना खाए के थके हारे, हमने सोचा खाना बन जाएगा तो अभी मैंने फिर भी कोशिश करके ये आग, लकड़ियाँ भी नहीं थी हमारे घर में, कोई कोई लकड़ी ढूंढ के आग जला दी है, अब खाना बन जाए जल्दी से तो यही बात है। अब पका हो रखा आधा तो गैस में बन गया है आधा है तो अभी मैं कुकर को लेके जा रही हूँ सीधे किचन की तरफ को, पता नहीं पका है या नहीं, बस सीटी तो आने लग गई है इसमें। और फाइनली हमारा लंच भी बन गया है और बारिश भी बहुत तेज की आ गई है। तो गैस ये देखो अभी का मौसम और बारिश भी आ गई है फाइनली। ये कहाँ घूम रही है, क्यों घूम रही है उसमें बारिश में? अंदर बैठ बेटा, अंदर बैठो, चलो चलो अंदर बैठो। और गाइस अभी का मौसम कुछ ऐसा है, काफ़ी ख़राब हो गया है, ऊपर साइड ना बहुत तेज तेज की बारिश चल रही है और अभी देखो आसमान भी किड़कड़ा रहा है, ये देखो।
और अभी भीगते भीगते चाचा लोगों के वहाँ से मैं गैस भी लेके आ गया हूँ। तो ये रही हमारी गैस जो कि भरी है लेकिन ये पूरी लीक कर रही है। और ये नया सिलेंडर लेके आ रखा हूँ, इसके भी सील नहीं खुली है, तो अभी इसको लगा के फिट करता हूँ। और मैं चाचा लोगों के वहाँ से जो सिलेंडर लेके आया था ना वो सही है, उसमें कोई लीक वीक नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा सिलेंडर खराब है, वो पता नहीं क्या दिक्कत कर रहा है। तो इसको मैं अभी साइड ही कर देता हूँ, इसको कल वापस करके आऊँगा। और अभी मैं आ गया हूँ अपने खेत में और यहाँ पर आके ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो गाइस देखो अभी का मौसम कुछ ऐसा है, वाव आसमान पूरा साफ हो गया है और पहाड़ भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और पूजा भी अभी खेत में आ गई है और यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं क्यारी धनिया बोने के लिए। और इस साइड को थोड़ी बहुत धनिया मम्मी ने और बो रखा है, तो धनिया भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया है। और सभी लोग खेत में आ गए हैं अभी देख रहे। और ये देखो इनका लगे चल रहा है अभी। शिबू कहाँ जा रहे हो? वहाँ मत जाना बेटा। और मम्मी यहाँ पर घास उखाड़ ली है। मम्मी घास कौन सी वाली है? घास है आए। इसका फूल जब ना फूल आते ही ना इसका बीज बन जाता है, लेकिन ये लगने वाली घास है, बेकार घास है। और ये वाली घास है ना पूरी खेती जो है बर्बाद हो जाती है, पूरी फसल खराब हो जाती है। तो हमारे खेतों में बहुत ज्यादा घास अभी फैली हुई है, तो मम्मी उसी को निकाल रही है। और अभी मैं और वंशु भी आ गए छत में। और अभी का मौसम काफी ज्यादा गजब का हो गया है, काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ना ऐसे मौसम में दिल खुश हो जाता है। तो अभी वंशु भी यहाँ पे आ गया है मेरे साथ, ये देखो। और आजकल पूजा भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, सुबह काम, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, फिर दिन में काम, फिर बच्चे भी संभालना, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है आजकल, बहुत ज़्यादा काम हो गया है। और पूजा भी खेत पे ही है तो वहाँ पर थोड़ी क्यारी वारी बना रही है। और ये रही सामने में हमारे ब्लॉगर साहब है पूजा मैडम, आओ छत में आ जाओ, धनिया बोना है। और फाइनली मैंने धनिया भी बो दिया है। और धनिया बोने में ना मुझे थोड़ी आफत भी आई, क्योंकि खेत बहुत टाइट हो रखा है, गेहूं के टाइम से हमने खेत की जुताई नहीं कर रखी है। और अभी कुदाल से खोदने में ना थोड़ा छाला भी लग गया एक तरफ को। तो वो रही धनिया की क्यारी, और अभी कितनी सुंदर सी लगने लग गई है। कुछ देर पहले यहाँ पर पूरा बंजर था और इधर को कबाड़ इकट्ठा करके रखा है मैंने टब में, और हस्बैंड जी से बोलूँ कि मेरे को उठा दो। और देखो मौसम कितना सुहावना सा हो गया है। और इस गर्मी के सीजन में ना बारिश ऐसे हो रही है जैसे बरसात जैसी, हो रही रुक रही, मतलब एक तड़ाके की नहीं हो रही है। और घर के सारे काम निपटा के अभी मैं आ गई हूँ छत में, और मम्मी जी, ननद जी, बच्चे तो सब लोग अंदर ही हैं। और आज मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा, बिल्कुल गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा है। और आप पंखे भी नहीं चलाएंगे हम लग रहा, तो कुछ ऐसा रहा आज का दिन, अच्छा ही रहा। कभी धूप आई, कभी बादल आ रहे थे, फिर बारिश भी हुई। तो अभी तो कुछ काम भी नहीं हो रखा है ज़्यादा खेतों का, तो बारिश हो भी जाएगी तो कोई नुकसान नहीं है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। फिर मिलूंगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, शुभ रात्रि।